सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हुए सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ आर्मी टैंक मोड। तो ये टैंक मोड आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से, मतलब कि इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है और इसमें क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या ये फायर भी करता है, मतलब कि ये लड़ाई वगैरह करता है या इसमें से गोली वोली निकलती, सब कुछ आगे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और बताऊंगा इसमें क्या खास है और क्या अच्छा है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। चले गए, ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। उससे पहले यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। चले गए, इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम लोगों को आर्मी टैंक मोड यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छा हम लोगों को लुक, मतलब शाइनिंग इसका हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाने वाला है। और यहाँ पे ऊपर अगर बात करूँ तो एक और हम लोगों को छोटी गन भी मिल जाती है, और ये इसमें हम लोगों को दो एनिमेशन की भी मिल जाती है। तो उसका यूज़ भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और इसमें सारे फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे लाइट है वो भी वर्क करती है, और यहाँ पे ये पार्किंग लाइट है वो भी वर्क करती है। तो ये इतना कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ बात करते हैं इसमें कौन कौन सा कैमरा एंगल है। सबसे पहले हम लोग इसमें एंटर हो जाते हैं, कुछ ये इस टाइप का हम लोगों को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा या रस्सी वगैरह यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, ये वर्क कर रहा है नहीं वो तो मुझे कुछ नहीं पता। ओके, यहाँ पे हम लोग पार्किंग लाइट की बात करते, एक मिनट में यहाँ को इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे वाइपर की बात करते तो वो तो वर्क नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे खिड़की नहीं है, कांच ही नहीं है, तो फिर वर्क कैसे करेगा। तो ये हम लोगों को मिल जाता है। डोर्स भी हम लोगों को वर्केबल नहीं मिलता है, डोर्स भी वर्क नहीं करते। लेकिन यहाँ पे पार्किंग लाइट की बात करूँ तो वो हम लोगों को वर्केबल मिल जाता है, यहाँ पे वर्क करता है, और लाइटें भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे वर्केबल मिल जाती है। तो ये कुछ हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाने वाला है। कैमरा एंगल की बात करूँ तो ये कैमरा एंगल, और जो हम लोग एंटर हो जाते हैं अंदर, तो वो हम लोग एंटर तो नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके ऊपर हम लोग यहाँ से आसानी से बैठ सकते। तो ऐसा कुछ हम लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ पे टैंक मोड मिल जाता है। और अगर यहाँ से बात करो तो फर्स्ट एनिमेशन की से, तो फर्स्ट एनिमेशन की से यहाँ से हम लोग इसका जो लेवल है उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, या मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड एनिमेशन की बात करो तो यहाँ पे देखो, जैसे उसमें से गोला निकल के जा रहा, उस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब कि ये कुछ इस तरह का हम लोगों को एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे देखो गोला अभी निकल के जाएगा, देखो इस तरीके से हम लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। तो मतलब ये यहाँ पे फायर वर्क वगैरह, फायर वायर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ इस टाइप का हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वैसा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है गाइस, इस तरह का हम लोगों को मिल जाता है। और अगर बात करो तो यहाँ पे हम लोगों को टायर वर्क वर्केबल नहीं मिलते, मतलब कि टायर वर्क नहीं करते आप लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए ये दिया गया। तो ये मुझे थोड़ा इसमें अगर एनिमेशन होता, अगर ये चैन वगैरह वर्क करती तो ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन ये दिक्कत इसमें हो सकती है आप लोगों को चलाने में, तो ये दिक्कत मुझे भी आ रही है। अगर यहाँ से हम लोग एक बार नीचे उतर जाते हैं और इसके अंदर बिल्कुल झाँकने की कोशिश करते हैं, तो वो हम लोगों को काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे लुक देने वाला है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक मिनट इसके अंदर मैं चला गया, और देखो यहाँ से कितना अच्छा हम लोगों को यहाँ पे लुक दे रहा है। इसके अंदर से भी हम लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते थे, ये कुछ हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। इसको डाउनलोड करने की बात करूँ तो MAH चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने प्ले जो बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम है उसमें प्ले कर सकते हैं। तो यही कुछ था आज के इस वीडियो में गाइस, इतना कुछ हम लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ब्रेकिंग सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छे हम लोगों को मिल जाता है, और स्टीयरिंग सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। फायर वर्क मतलब फायर नहीं करता है, तो इतनी दिक्कत आप लोगों को शायद ये हो सकती है देखने में। तो मुझे तो यार ये कुछ काफ़ी अच्छा, मतलब थोड़ा सा अजीब भी लगा और वैसे अच्छा भी है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कौन नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कौन नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।